हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, हेल्दी, स्वस्थ, मस्त, खुश और फिट होंगे। आज है संडे, तारीख है 10, सुबह के बज रहे हैं 5:30 और आज हमने रोड बदल ली, दूसरी तरफ से चल रहे हैं। तो आज तो हम लेट हैं, 5:30 बज रहे हैं, आधे घंटे लेट हैं। एक्चुअली हुआ क्या कि आज है संडे, ऐसा तो सभी सोचते हैं, तो मैंने भी वही सोचा। सबसे पहले आज हफ्ते भर की नींद पूरी की और आराम से 5 बजे उठे हैं। 5 बजे उठने के बाद दतुवन मंजन और फ्रेश होना, हाथ पैर मुंह धुलना और उसके बाद गर्म पानी पीना, फिर टहलने निकलना। तो 5:30 बज रहे हैं, 5:30 बजे से 1 घंटा टहलना होगा, वो भी तेज़ तेज़ वॉक होगा, तो 6:30 बजे तक। आज कोई जल्दबाजी नहीं है, टाइम का लिमिट नहीं है, क्योंकि आज है संडे। तो आज हम जंगल की तरफ से आए हैं, जंगल में मंगल, यहाँ पे लिखा है शैक्षणिक में शोध वनस्पति उद्यान, गार्डन की तरफ गेट जाता है, तो आज इस तरफ से आए हैं, नहीं तो उस तरफ से आते थे। ज़्यादा अंधेरा होता है ना इस तरफ। देखिए अंकल जी चिड़ियों को दाना दे रहे हैं यहाँ पे, यहाँ पे चिड़िया बहुत सारी रहती हैं, कबूतर मोर बहुत सारे रहते हैं। तो ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए इधर यहाँ पे दाने डाल दिए जाते हैं ये गेट के पास, यहाँ पे मोर वोर खाते हैं। तो हमने सोचा जंगल के रास्ते चलते हैं इधर से, इधर बहुत अंधेरा रहता है ना, तो नहीं आते हैं बहुत ज़्यादा अंधेरे में, जब थोड़ा उजाला हो जाता है तो फिर आते हैं। तो चलिए टहल लेते हैं, उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। देखिए कितनी सारी हरियाली है, इतना सुंदर लगता है कि पूछो मत, मन तो करता है बस टहलते रहो टहलते रहो टहलते रहो। लेकिन होता क्या है ना, एक टाइम की लिमिट होती है, या फिर टहलने की धूप भी हो जाता है। देखिए कितना सुंदर है हरा हरा, जिधर आपकी निगाहें जाएंगी चारों तरफ हरियाली ही दिखाई देगी। आज संडे होने के नाते पार्क में कुछ ज़्यादा ही भीड़ है। ये पार्क नहीं है, ये DDU है, गोरखपुर यूनिवर्सिटी का अंदर का कैंपस है, जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है मॉर्निंग वॉक करने वालों की और टहलने वाले की, दौड़ने वालों की, मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। आप देख सकते हैं संडे होने की वजह से आज भीड़ कुछ ज़्यादा होती है, संडे को ज़्यादा भीड़ होती है, बाकी के दिनों में कम होती है। या फिर ये कह लें कि आज मैं देर से गई थी फिर भीड़ ज़्यादा होती है। जब हम सुबह 4:30-5 बजे जाते हैं तो इतनी भीड़ नहीं होती है, 5 बजे के बाद से भीड़ होना शुरू हो जाता है। और मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं तेज़ तेज़ वॉक कर पाऊँ, मतलब तेज़ खूब तेज़, और उसके बाद घर वापस आके गुनगुना पानी, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा गुनगुना। आप चाहे तो इसमें ना पानी में थोड़ा सा कड़ी पत्ता भी डाल के पी लें, लेकिन मुझे क्या ना सूट नहीं करता, ना कड़ी पत्ता, ना नींबू, ना शहद, ऐसे सिंपल। और आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा पतले लग रहे हैं ना, जब कैमरे में देखा तो खुद को ऐसे देखते हैं। ये जो हमारा निचला मतलब पेट वाला हिस्सा है, इतना ज़्यादा बाहर हो गया था कि क्या बताएं, इतना ज़्यादा पतला लग रहा है ना खुद को, हाथ देख सकते हैं इतना ज़्यादा मोटे थे। कोई अगर हमारी फ़ोटो होगी पहले की तो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे इस वीडियो में, बहुत ज़्यादा मोटे हुआ करते थे, लेकिन शायद जनवरी से शुरू किया था तो कितना ज़्यादा पतले लग रहे हैं, अंतर खुद पता चलता है। लेकिन हाँ, एकाएक नहीं पता चलेगा, धीरे धीरे पता चलेगा। जब हम मोटे होते हैं तो 7 साल में 5 साल में 6 साल में होते हैं मोटे, तो फिर पतले 1-2 दिन में या फिर 2-1 महीने में कैसे हो जाएंगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा। और यहाँ पे सबके लिए चाय बनी है, अपने लिए हमने ओट्स बनाया है, दूध वाला और गुड़ वाला, आप लोग भी शामिल हो जाइए। नाश्ते का टाइम है सुबह, आज संडे था तो हमने सोचा सबसे पहले नाश्ता वास्ता बना देते हैं फिर काम में जुटते हैं, क्योंकि जब एक बार काम में जुट जाओ तो फिर टाइम नहीं मिलता। तो ओट्स बन चुका है, इसमें हमने तो डाल दिया है 1 चम्मच जैगरी पाउडर। आ जाइए आप लोग भी मेरे साथ नाश्ता कर लीजिए, और थोड़े से बादाम हमने भिगोए थे 4-5, उसको ले लिया है। तो आज ये हमारा नाश्ता है, और आज घर के काम कोई नहीं किए हैं, सबसे पहले नाश्ते पर ही जुट गए हैं, क्योंकि देखो भाई मुझे भूख लगी थी, जब भूख लगी हो ना तो फिर कोई काम नहीं होता है। तो ये हुआ कि चलो नाश्ता कर लेते हैं एक बार। अगर मैं काम में जुट गई तो मुझे पता था कि आज 11-12 बज जाएंगे काम करते करते, तो नाश्ता हमने कर लिया है, बाकी सबने चाय की डिमांड रखी। मैंने सोचा कि दलिया बना देती हूँ सबके लिए, तो लेकिन सबको चाय पीना था तो हमने चाय बना दी। तो फिर शुरू कर दी है घर की साफ़ सफाई, सबसे पहले किचन से शुरुआत की है। ये किचन में एक छोटा सा पतला सा तख्ता डाल रखा है, इस पर बैठ के सब्जी वब्जी कट करते हैं।
तो इस पे एक गद्दा भी डाल दिया है, मतलब ऐसे, और ऊपर से कथरी डाल दी है, इसके ऊपर से चद्दर डाल देते हैं। तो जब चद्दर गंदा होता है तो निकाल देते हैं। यहाँ बैठ के सब्जी कट करो, चावल दाल बीन लो, या फिर कुछ भी मतलब करो। किचन में जैसे होता है ना, खड़े खड़े पैर में दर्द होने लगता है, तो इस पे बैठ के काम करते हैं। और आज सर में तेल लगाया है, नारियल का ढेर सारा। बहुत ज़्यादा गर्मी थी, पता नहीं कितने दिन हो गए थे हमें सर में तेल लगाया, सारा ठंड में लगाया था, तो आज बाल बहुत ही ज़्यादा ड्राई थे। तो एलोवेरा और कोकोनट ऑयल मिक्स करके सर में लगाया है, क्योंकि धुलना है। सारे घर के जितने कपड़े हैं बाहर लाए हैं, वॉशिंग मशीन में पानी चला के भर दिया है। और सबसे पहले हल्के कलर के जितने कपड़े हैं उनको डालेंगे। मेरे घर में हल्के कलर के चद्दर ज़्यादा होते हैं, जैसे बच्चों के भी हुए, मेरे भी हुए, तो सबके हल्के कलर के चद्दर होते हैं। गर्मी में हल्का कलर अच्छा होता है। उसके बाद कपड़ा धुल लिया, घर की साफ़ सफाई कर दी, और कपड़े भी फैलाए नहीं गए हैं। फैलाने का काम बाद में होता है, ये होता है कि चलो पूजा पाठ कर लें, भगवान जी भी इंतज़ार करते होंगे पूजा पाठ के लिए, घर में तैयार हो जाते हैं। कैसे लग रहे हैं आप लोग ज़रूर बताइएगा। आज डिमांड ये था कुछ टेस्टी बनाया जाए, लेकिन हाँ, ना मसाले वाला बनाया जाए ना ही ऑयली हो, तो मुझे लगा कि चलो बाटी चोखा बना देते हैं। बैंगन रखा हुआ था, वैसे ये बैंगन भरता वाला तो नहीं है, पतले पतले सब्जी वाले बैंगन हैं, लेकिन हमने कहा चलो तीन बैंगन हैं तो बन जाएगा इनका भरता। सबसे पहले बैंगन को कट लगाया है, उसको देखा इसमें कीड़े हैं कि नहीं, और उसके बाद इसमें ढेर सारी लहसुन की कलियाँ तीनों में डाल के इसको भून लेंगे। डायरेक्ट गैस पर ही भून रहे हैं, और बाटी चोखा गैस पे ही बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है ना, कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि आग पे सेक के बना सकें, और वो इतनी ज़्यादा गर्मी है ना कि आग के पास बैठने का भी मन नहीं होता है। और यहाँ पे बैंगन तीन लिया था, टमाटर दो लिया है, इन सबको अच्छे से भून लिया, ठंडा होने देते हैं। जब तक ये सब ठंडा होता है तब तक हम अदरक, हरी मिर्ची, प्याज को चॉपर में चॉप कर लेते हैं। लहसुन अब अलग से नहीं डालेंगे हम किसी चीज़ में, लहसुन जो पका हुआ है वही डालेंगे। तो प्याज ले लिया है हमने तीन, और अदरक लहसुन ले लिया है स्वाद के अनुसार, मतलब जितना तीखा खाना है आप उतना ले लें, चॉपर में डाल के चॉप कर लें, महीन महीन बारीक हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने ले लिया है चने का सत्तू, जो कि मार्केट में रेडीमेड मिलता है। उसके बाद हमने डाला है सफ़ेद नमक, काला नमक, और अजवाइन को हाथ से क्रश करके डाल दिया है। हरी धनिया की पत्ती डाल दी है, और उसके बाद यहाँ पे डाल दिया है ना जो प्याज वाज चॉपर से चॉप किया था, प्याज, हरी मिर्ची, अदरक, उसको डाल दिया है। दो नींबू का रस हमने निकाल के डाला है, खूब खट्टा खट्टा अच्छा लगता है। उसके बाद ये अचार का भरवा मिर्च है, इसको डाल दिया है, इससे बहुत ही ज़्यादा स्वाद आता है। मतलब इतना टेस्टी बना था बाटी चोखा कि हम बता नहीं सकते, बहुत ही टेस्टी बना था लाजवाब। उसके बाद इस सबको अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो आपका सत्तू रेडी हो चुका है, इसको साइड में रख दीजिए, भरावन तैयार है। उसके बाद चोखा बना लेते हैं, क्योंकि जैसे लिट्टी बननी शुरू हो जाएगी, मुझे पता है बच्चे तुरंत मतलब खाने के लिए आ जाएंगे, तो पहले चोखा तैयार रहेगा, बाटी बनाते जाएंगे गर्मा गर्म, सब लोग खाते जाएंगे। तो चोखा बनाने के लिए सारा जो बैंगन वैगन था उसको छील लिया है, बैंगन टमाटर को, आलू पहले से ही उबाल के रख लिया था, चॉपर से चॉप किया है, प्याज अदरक हरी मिर्ची डाल दिया है, और अचार का मसाला डाल दिया है, हरी धनिया की पत्ती डाल दी है, इसको अच्छे से कर देंगे मिक्स। तो हमारा चोखा बनके रेडी हो जाएगा, बढ़िया फर्स्ट क्लास टेस्टी सा। और ये देखिए कितना स्वादिष्ट चोखा बना है, देखने से ही लग रहा है ना, बना भी स्वादिष्ट था, बहुत स्वादिष्ट था। और उसके बाद हम बाटी बना लेंगे। तो बाटी में आप खूब अच्छे से सत्तू भर दें, सत्तू ज़्यादा रहेगा तभी स्वाद आएगी बाटी की। ऐसा नहीं कि आप मार्केट वाले के जैसे बस ज़रा ज़रा सा सत्तू डाल दें, मार्केट वाली जो लिट्टी होती है ना बस उसमें नाम मात्र का सत्तू होता है, लेकिन जब घर में बाटी चोखा बनाते हैं तो खूब भर भर के सत्तू डालते हैं। और इस तरीके से आप जैसे कचौरियाँ बनती हैं बना बना के इसको अप्पे पैन में रख देंगे। अप्पे पैन की लिट्टी बहुत स्वादिष्ट होती है, ऐसा नहीं है कि ना ये पकती नहीं है, मतलब परफेक्ट होती है। और जब भी ऐसा गर्मी का मौसम होता है सबका खाने के, देखिए कैसे क्रैक हो चुकी हैं सारी लिट्टियाँ, देख सकते हैं आप अपने आप फट चुकी हैं, ना इसमें ऑयल लगाया है ना ही घी लगाया है, बस सिंपल से सत्तू भर के इसको धीमी धीमी आंच पे पकाया है, सारी लिट्टियाँ क्रैक हो चुकी हैं। इतना स्वादिष्ट, इतना क्रिस्पी बनती हैं, जैसे सेम टेस्ट आता है जैसे आग पे सेकी हुई। और बाहर उसके बाद ये लिट्टियाँ सीख रही थी, तो हमने सोचा चलो कपड़े फैला देते हैं। अच्छा शूटिंग का क्या हुआ ना, अगर इतने कपड़े की शूटिंग करने लग जाएँ तो कम से कम 2 मिनट इस वीडियो को ये भी ले लेगा। तो चलो हमने सोचा चलो पहले कपड़े फैला देते हैं, उसके बाद आप लोगों को दिखाते हैं। तो इतने सारे कपड़े धुले थे आज, मशीन से धुले गए थे, हाथ से नहीं। आ जाइए आप लोग दोपहर के लंच में हमारे साथ शामिल हो जाइए, बाटी चोखा और घी में डूबी हुई बाटियाँ का स्वाद ही मतलब पूछिए मत, लाजवाब है, बहुत ही स्वादिष्ट बना था। मतलब घर के सभी लोग खाना पीना खा लेते हैं, किचन की साफ़ सफाई कर लेती हूँ, बस बर्तन धुलने का जो काम होता है वो रह जाता है, तो उसके बाद मैं लंच करने बैठती हूँ। शाम के टाइम हमने खाया था अमरूद, फ्रूट में के पास अवेलेबल हो आप खा लें, शाम के टाइम आज चाय नहीं पी, तो अमरूद रखा था, तो हमने 3 छोटे छोटे अमरूद कट किए हैं, बस इनको खा लेंगे तो हो जाएगा हमारा शाम का नाश्ता। उसके बाद जो कपड़े हमने धुल के डाले थे बस उनको उतार के लाना है, बच्चों का बैग,
और हस्बैंड के कपड़े, चद्दर वद्दर, ये सारे कपड़े शाम के टाइम थोड़े से कपड़े ना पहले ही उतार के लाए, जो सूखे हुए थे, जो पतले पतले थे, जैसे दुपट्टा उपट्टा होता है ना, तो जब उसको ड्रायर में सुखा के डालो तो जल्दी सूख जाते हैं। तो आधे कपड़े पहले ही उतार के लाए हैं, आधे कपड़े गौरी को दे रहे हैं और बाकी जो बड़े बड़े कपड़े हैं उनको अलग रखेंगे। तो छोटे कपड़े अलग, बड़े कपड़े अलग, इससे क्या होता है ना फोल्ड करने में या फिर जो कपड़े प्रेस करने हैं उनको अलग कर लो तो आसानी होती है। इसी तरीके से मेरा काम होता है, मेरा काम में पूरा दिन बीत जाता है। मतलब संडे हो या मंडे हो, काम रोज़ बराबर होते हैं। मंडे के दिन क्या होता है, सुबह उठ के टिफिन बनाना होता है। संडे के दिन ये होता है चलो वीकली घर की साफ़ सफाई करनी होती है, बच्चों का बैग भी गंदा हो चुका था, 10 दिन में 15 दिन में बैग धुला ही जाता है क्योंकि ये लोग लंच ले जाते हैं ना तो उसी में जूठा कूठा करते रहते हैं, तो ये होता है कि चलो इनका बैग भी धुल लेते हैं साथ साथ। सो फ्रेंड, अभी बज चुके हैं शाम के 6 और हम टहलने आ चुके हैं। इतना सुंदर लग रहा है शाम के टाइम की पूछो मत, हरी हरी घासें, ठंडी ठंडी हवाएं, पूछो मत, देखिए इतना ज़्यादा सुंदर लग रहा है ना, ये देखिए। और दूध लेके गए हैं आज पहले ही, दाल चावल धुल के आए हैं, सिंपल सा दाल चावल बनाएंगे। इतने सारे काम हो जाते हैं संडे के दिन कि पूछो मत। संडे आता है, छुट्टी होती है सबकी, लेकिन मेरे लिए दुगना काम लेके आता है। और बस बच्चों का बैग, जूता, बच्चों का ड्रेस, चद्दर वगैरह, ये सारे काम धुले थे, घर की साफ़ सफाई और कुकिंग का काम, सारे कितने सारे काम इकट्ठे हो जाते हैं। सुबह से आप लोगों से ना बात भी नहीं की थी ठीक से एक बार भी, बस सुबह जब टहलने आए थे तो थोड़ी सी आप लोगों से बातें हुई थी और थोड़ी सी अभी टहलने आए हैं। तो फिर अभी क्योंकि पूरा का पूरा दिन जो है ना ऐसे चला जाता है, कब कहाँ कैसे निकल जाता है पता नहीं चलता। जो थोड़ा सा टाइम मिलता है उसमें कुकिंग हो जाती है, फिर सोने के लिए टाइम निकाल लेते हैं, फिर या तो फिर मोबाइल लेके बैठ जाते हैं, एडिटिंग का काम होने लगता है या फिर इंस्टा का काम होने लगता है। मतलब घर के काम से फुर्सत पाओ तो फिर फ़ोन के काम निपटाने लगते हैं, तो फिर आप लोगों से बातें करने का टाइम नहीं मिलता। और जब टहलने आते हैं तो ऐसा होता है ना, आजकल पहले तो फ़ोन लेके आते नहीं थे टहलने क्योंकि डेली का डेली ब्लॉग बनता नहीं था, लेकिन अब जब टहलने आते हैं तो सुबह भी फ़ोन लेके आते हैं, शाम को भी फ़ोन लेके चले आते हैं, क्योंकि ब्लॉग शूट करना होता है, आप लोगों के साथ शेयर करना होता है। तो शाम के टाइम बस सिंपल दाल चावल बनाएंगे, धुल के आए हैं क्योंकि यहाँ से जाते जाते 7:15 बज जाते हैं टहलते टहलते, और घर जाके फिर काम करने का मन नहीं होता। थोड़ी देर जैसे 10-15 मिनट 20 मिनट ये होता है चलो बैठ जाएं फिर जो है काम करें, तो इस तरीके से। तो 7:30 बज जाते हैं, सब्जी वब्जी कट करते फिर देर हो जाती है, तो इससे अच्छा है कि जो कुछ काम रहे घर से निपटा के आओ थोड़े बहुत, और थोड़े बहुत यहाँ से जाके काम कर लो तो फिर हल्के हो जाते हैं। और अभी जाके यहाँ से प्रेस भी करना है बच्चों का ड्रेस वगैरह, कल स्कूल है, आज तो संडे था, पूरा दिन छुट्टी में गया और बाकी साफ सफाई में गया, कपड़े की धुलाई में गया, मतलब पूरा दिन बीत जाता है, कब कहाँ कैसे मुझे खुद नहीं पता चलता। बाकी समय फोन में बीत जाता है, कट जाता है ऐसे समय। और शाम का टाइम है, इतना सुंदर लगता है, देखिए चारों तरफ ऐसे हरी 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 हरी, कि क्या बताएं, इधर बड़ी बड़ी सड़कें रहती हैं। शाम के टाइम बहुत कम लोग टहलने आते हैं, सुबह के टाइम ज़्यादा भीड़ थी और आज संडे था तो संडे को और ज़्यादा भीड़ होती है यहाँ पे। तो चलिए फिर चबूतरे पर चलते हैं, वहीं पे हमारी महिला मंडली मिलेगी, वहीं पे बातें होंगी हम सब की थोड़ी देर। शाम के टाइम तो बस एक ही राउंड लगाते हैं, सुबह के टाइम 2-3 राउंड लग जाते हैं, लेकिन शाम के टाइम ना मज़े आते हैं गप्पे में मारने में वहाँ पे बैठ के। तो बस वहीं चबूतरे पर चलेंगे, थोड़ी देर बैठेंगे और उसके बाद घर चले जाएंगे। हम दाल चावल धुल के गए थे और आके तुरंत हमने खिचड़ी चढ़ा दी थी, खिचड़ी की सारी तैयारी करके टहलने गए थे क्योंकि मुझे पता होता है टहल के आने में थोड़ा सा शाम हो जाता है और डिनर मुझे जल्दी करना होता है इसलिए। तो आज बनाई थी खिचड़ी, मसालेदार खिचड़ी जिसको कहते हैं, सभी लोग खिचड़ी ही खाएंगे क्योंकि सुबह सब लोगों ने बाटी चोखा खाया था ना, तो या तो बाटी चोखा बनता है सुबह में या फिर आलू के पराठे जैसे कुछ बनते हैं, तो शाम के टाइम या तो दाल चावल बनता है या तो खिचड़ी बनती है, चाहे दाल चावल अलग अलग बनाओ चाहे खिचड़ी एक में करके बनाओ, और खिचड़ी के साथ चोखा चटनी और थोड़ा सा दही था। डिनर करने के बाद किचन की साफ़ सफाई कर दी है, पूरा काम समेट दिया है और आज की इस वीडियो का यहीं पे एंड करेंगे। वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर देना, बहुत ही मेहनत से परिश्रम से वीडियो बनाते हैं, आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, मुझे जो कुछ भी आता है अपनी पूरी कोशिश रहती है कि आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊँ। तो वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं 7 से 8 बजे तक डिनर हो जाता है और लास्ट में होता है दूध। आज की वीडियो यहीं पर एंड करेंगे, मिलेंगे अगले ब्लॉग।